हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन है बनास नदी, चंबल नदी, गग्गर नदी, लूनी नदी। दोस्तों पहला ऑप्शन है बनास नदी। तो दोस्तों ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है और इस पर बिसलपुर बांध बना हुआ है जो टोंक में है दोस्तों। लेकिन किलोमीटर के हिसाब से चंबल नदी सबसे बड़ी होगी क्योंकि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीन राज्यों में बहती है। इसके कारण इसकी किलोमीटर क्षमता 1000 के आसपास है। और दोस्तों ये बारहमासी नदी है, मतलब 12 महीने तक बहती रहती है और बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आखिर में। और ये जब राजस्थान में आती है तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से गुजरती है। और दोस्तों इसको राजस्थान की कामधेनु और प्राचीन नाम चरमणवती नदी कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, जो मुझे बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना पढ़ूंगा कि वो भी बोलेंगे कि भाई तू बस कर, नहीं हमारे से पहले नौकरी लग जाएगा।